पुलिस को मिली खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने जाम चौकी पर नाकाबंदी कर दी और शराब के एक कार सहित 3,24,000 का सामान जब्त किया है। साथ ही दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को 11 अक्टूबर की सुबह 4 बजे गुप्त सूचना के आधार पर समुद्रपुर पुलिस ने अवैध रूप से शराब का परिवहन कर रहे इस पर कार्रवाई की है। हुंडई की सेंट्रो कार नंबर MH31BB4180 की तलाशी लेते समय आरोपी ने 26 बॉक्स में 1,24,800 रुपए की 1,248 बोतल शराब और 2,00,000 रुपए कीमत की कार, कुल मिलाकर 3,24,800 रुपए की जब्ती की। आरोपी अक्षय अनिल चौहान, उम्र 25 साल, काजीवाड स्वेपर कॉलोनी हिंगनघाट निवासी, रोशन गजानंद भगत और 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई पुलिस उप विभागीय अधिकारी भीमराव टेले, थानेदार हेमंत चांदेवार, पुलिस कर्मी नीलेश पेटकर, नितेश मैदानवार, जितेंद्र वैद्य, समीर कुरेशी इन्होंने की है। इन बी सी एन न्यूज से प्रमोद वैद्य की रिपोर्ट।